हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर SJS एंटरप्राइज के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली वाइज कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर हम देखें रेवेन्यू, तो यहाँ पर 7% की गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और 66 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इस क्वार्टर में किया है। मतलब पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो 7% की गिरावट आई है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो क्वार्टरली वाइज इनको 1% इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 1% इन्होंने ग्रोथ बताया है और 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। तो अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर फ्लैट आया है क्वार्टरली वाइज और रेवेन्यू अच्छा नहीं है क्वार्टरली वाइज। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर 20% से गिरा है, मतलब पिछले दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर कर दो तो इस दिसंबर के क्वार्टर में आपको 20% की गिरावट दिखी है और नेट प्रॉफिट में 28% की गिरावट दिखी है, मतलब 28% का डाउनफॉल आपको इस क्वार्टर में दिखा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो यहाँ पर बैड रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात करें तो फायर आई है 551 रुपीज़, बट करंटली ये 390.50 पे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा था, आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और 0.99% ये आज के दिन में डाउन था। तो जैसे कि रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए तो ये शेयर आपको और भी नीचे जाते हुए दिख सकता है। तो अगर आपने सोचा है इस शेयर में ट्रेड लेने का तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप कि आपको SJS एंटरप्राइज के Q3 के नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।